बिग बॉस का सीजन 16 जो काफी दिलचस्प होता जा रहा है, इस सीजन में केवल सदस्य ही नहीं बल्कि बिग बॉस खुद भी खेल रहे हैं। सीजन के कई हफ्ते बीत चुके हैं जहां इस शो में प्यार के अलावा फ्रेंडशिप भी देखने को मिल रही है। इसी तरह बिग बॉस के हर सीजन में कई कंटेस्टेंट के बीच दोस्ती देखी गई है जहां ये दोस्ती टूटती हुई भी देखी गई है। लेकिन बिग बॉस के कंटेस्टेंट के कुछ ऐसी भी जेन्युइन फ्रेंडशिप रही है जिनकी ऑडियंस आज तक मिसालें देती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बिग बॉस के उन्हीं कुछ कंटेस्टेंट के बारे में बताएंगे जिन्होंने शो में अपनी फ्रेंडशिप के चलते काफी सुर्खियां बटोरी थी। मनु पंजाबी और मनवीर गुर्जर। बिग बॉस का सीजन 10 काफी बेमिसाल रहा जहां शो में कॉमनर्स की एंट्री ने काफी धमाल मचा दिया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस सीजन में एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट लाए गए थे, इसी के बदौलत यह सीजन सुपर डुपर हिट भी रहा था। इस सीजन में प्यार वार और मस्तियां खूब हुई, इसी बीच एक दोस्ती भी बनी जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। मनु और मनवीर की दोस्ती के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। उनकी फ्रेंडशिप इतनी पक्की थी कि इस बात का अंदाजा सारी ऑडियंस को तब लगा था जब मनवीर ने मनु को नॉमिनेशन से बचाने के लिए खुद को क्लीन शेव भी कर लिया था। यह दोनों पूरे सीजन के दौरान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए। सिद्धार्थ और आसिम। बिग बॉस का सीजन 13 जो सबसे ज्यादा यादगार सीजन रहा, यह कहा जा सकता है कि इस सीजन की तारीफ करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। शो में लेट सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज पहले दिन से काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और इन दोनों की जोड़ी को राम लक्ष्मी की जोड़ी भी कहा जाने लगा। लेकिन शो के कुछ हफ्ते बाद इन दोनों की दोस्ती में टकरार आने लगी जहां हर लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले ये दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आए। भले ही ये दोस्ती आखिरी में आते आते बिखर गई हो, लेकिन आज भी ऑडियंस दोनों के नाम एक साथ ही लेती है। और जहां सिद्धार्थ शुक्ला के लास्ट राइड पर आसिम रियाज को बारिश में भीगते हुए देखा गया और इस सीन को देखकर ऑडियंस की आंखें काफी नम हो गई थी। राहुल वैद्य और अली गोनी। बिग बॉस के सीजन 14 में अली गोनी की एंट्री ने सभी लोगों को चौंका दिया था। अली शो में अपनी फ्रेंड जैस्मिन के लिए आए थे और जब बेघर हुए तो अपने साथ राहुल वैद्य की दोस्ती का टैग लेकर गए। इस सीजन में राहुल और अली की दोस्ती को काफी ज्यादा पसंद किया गया जहां ये दोनों ही दोस्त पूरे सीजन में एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अली के आने से पहले राहुल वैद्य को शो में कॉर्नर कर दिया गया था, लेकिन अली के आने के बाद राहुल वैद्य जो काफी अच्छा खेलते हुए नजर आए और दोनों की प्यारी फ्रेंडशिप ने सबका दिल भी जीत लिया था। इनकी दोस्ती केवल शो तक सीमित नहीं रही बल्कि बाहर जाकर भी अक्सर दोनों एक दूसरे के साथ स्पॉट किए जा चुके हैं और आज भी ये दोनों एक दूसरे के खास दोस्त बने हुए हैं। निशांत भट्ट और प्रतीक सहजवाल। बिग बॉस के सीजन 15 में जमकर दोस्ती देखने को मिली जहां करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के लव एंगल के साथ साथ निशांत भट्ट और प्रतीक सहजवाल की दोस्ती भी ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। हालांकि कहा जा सकता है कि केवल निशांत ही हैं जो केवल अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, लेकिन प्रतीक भी उन्हें काफी जगह सपोर्ट करते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं, निशांत और प्रतीक की दोस्ती बिग बॉस OTT के सीजन 1 से ही चली आ रही थी जहां ये दोनों आज भी एक दूसरे के दोस्त बने हुए हैं। हिना खान और प्रियांक शर्मा। बिग बॉस के सीजन 11 में हिना और प्रियांक का बॉन्ड काफी अच्छा देखने को मिला था जहां दोनों ने हमेशा शो में एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया। जहां इन दोनों की केवल दोस्ती ही नहीं बल्कि ऑडियंस को इनकी केमिस्ट्री भी काफी पसंद आती थी और हिना और प्रियांक के साथ लव भी इनकी दोस्ती में नजर आते थे जहां इन तीनों की ही दोस्ती ऑडियंस को काफी पसंद आती थी। और यही कारण है कि हिना खान भले ही विनर ना रही हों लेकिन ऑडियंस का दिल उन्होंने खूब जीता था। समीर सोनी और श्वेता तिवारी। बिग बॉस के सीजन 4 में समीर सोनी और श्वेता तिवारी की दोस्ती काफी चर्चाओं में रही थी जहां ये दोनों ही एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते हुए नजर आए। समीर सोनी और श्वेता तिवारी की दोस्ती इतनी पक्की थी जहां ये दोनों हमेशा एक दूसरे का स्टैंड लेते हुए नजर आए। और जहां तक समीर सोनी ने श्वेता तिवारी के लिए कई बार खुद को नॉमिनेशन में भी डाल दिया था और यही वजह है कि श्वेता और समीर की दोस्ती को आज भी ऑडियंस काफी याद करती है। किशोर मर्चेंट, प्रिंस नरूला और श्रेयस राय। बिग बॉस के सीजन 9 में किशोर मर्चेंट और श्रेयस राय जो कपल थे, हालांकि ये दोनों कपल एक दूसरे के साथ नजर आते थे जहां इन दोनों के साथ प्रिंस नरूला की दोस्ती को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। जहां इस सीजन के विनर प्रिंस नरूला रहे थे, लेकिन ऑडियंस जब भी बिग बॉस के सीजन 9 को याद करती है तो प्रिंस नरूला, किशोर मर्चेंट और श्रेयस राय की दोस्ती को जरूर याद करती है। इन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि किशोर ने प्रिंस को जिताने के लिए इस शो से खुद को बेघर भी कर दिया था और लास्ट में जब नरूला शो की ट्रॉफी को जीते थे तो उन्होंने किशोर को अपनी शो की ट्रॉफी को जीतने का जिम्मेवार भी बताया था। रश्मि देसाई और देबोलीना। बिग बॉस के सीजन 13 में जहां सिद्धार्थ और आसिम की दोस्ती देखी गई, वहीं रश्मि देसाई और देबोलीना भट्टाचार्य जी की दोस्ती भी काफी हाईलाइटेड रही थी। जहां सिद्धार्थ और आसिम की तरह रश्मि और देबोलीना की दोस्ती भी शो के एंड में आकर खत्म हो गई थी।
हालांकि इन दोनों की दोस्ती में दरार पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी ऑडियंस इन दोनों की दोस्ती को आज भी काफी याद करती है। जहां बिग बॉस का सीजन 13 रश्मि देवोलीना, सिद्धार्थ और आसिम की दोस्ती के लिए आज भी जाना जाता है। शिल्पा शिंदे पुनीत शर्मा। बिग बॉस के सीजन 11 की विनर जहां शिल्पा शिंदे रही थी, वहीं शिल्पा शिंदे के साथ इस शो में पुनीत शर्मा की दोस्ती को काफी पसंद किया गया था। ऑडियंस के बीच इन दोनों की दोस्ती की काफी चर्चाएं रही थी और शिल्पा और पुनीत एक दूसरे के साथ काफी नजर आते थे। जहां इस शो में शिल्पा और पुनीत एक दूसरे के लिए स्टैंड में लेते हुए नजर आए। बिग बॉस के सीजन 11 को जब भी याद किया जाता है तो इन दोनों की दोस्ती को ऑडियंस हमेशा याद करती है। अब्दुल रोजिक और शिव ठाकरे। बिग बॉस के सीजन 16 में जहां कई कंटेस्टेंट के बीच लव एंगल देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं कई कंटेस्टेंट के बीच दोस्तियां भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस सीजन की सबसे प्यारी दोस्ती की बात की जाए तो अब्दुल रोजिक और शिव ठाकरे की दोस्ती को इस सीजन में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। जहां शिव ठाकरे की साजिद खान के साथ दोस्ती को भी ऑडियंस काफी पसंद कर रही है, लेकिन इस शो में ऑडियंस अब्दुल रोजिक और शिव ठाकरे की दोस्ती को काफी पसंद कर रही है। जहां इन दोनों की दोस्ती को ऑडियंस ने प्यार से # शिवड्यू का नाम भी दिया है और ऑडियंस इन दोनों की दोस्ती को बिग बॉस के बाहर भी देखना चाहती है। वेल, तो ये थे बिग बॉस के सभी सीजन्स की टॉप 10 जेन्युइन फ्रेंडशिप जिन्हें ऑडियंस ने काफी पसंद किया। वेल, तो आपको इन सभी कंटेस्टेंट में से किस कंटेस्टेंट की दोस्ती सबसे ज्यादा प्यारी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।